ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमद्, पार्ट 5। श्रीमद् और गॉडली स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट कहा जाता है। वास्तव में वह स्टूडेंट लाइफ भी बेस्ट है, परंतु ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ तो बेस्ट में भी बेस्ट है। विचार करो, सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर सच्चिदानंद घन परमात्मा शिक्षक बनकर पढ़ाए और सच्चिदानंदमय आत्मा बैठकर पढ़े, तो वह जीवन कितना सुखमय होगा और उस पढ़ाई का परिणाम क्या होगा। जिस पढ़ाई का परिणाम देवताई जीवन है, जो सर्वगुण संपन्न सदा सुखमय है, परंतु फिर भी उतरती कला तो होती है। ये जीवन तो परम आनंदमय है, चढ़ती कला का जीवन है। बाबा ने कहा है, ऐसी पढ़ाई में कभी अलबेलापन नहीं होना चाहिए। पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। सदा पढ़ाने वाला याद रहना चाहिए। क्लास में बैठते समय बुद्धि सिवाय पढ़ाई और पढ़ाने वाले टीचर के और कहीं नहीं जानी चाहिए। क्लास में बैठे अगर बुद्धि बाहर भटकती है तो वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि वह क्लास का वातावरण दूषित करता है। वह भी आत्मा पर बोझा चढ़ जाता है, क्योंकि उससे अन्य स्टूडेंट्स का भी अहित होता है। समय पर टीचर से पहले क्लास में जाना चाहिए। मुरली के पहले और बाद में योग करना चाहिए। पढ़ाई के बाद जो पढ़ा उसको एकांत में उगारना चाहिए। उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। क्लास में पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। कार्य व्यवहार में भी पढ़ाई और पढ़ाने वाला शिक्षक याद रहना चाहिए। इस ईश्वरीय पढ़ाई, पढ़ाने वाले शिक्षक और पढ़ाई के परिणाम को बुद्धि में रखकर उसका नशा और खुशी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा ने कहा है, उस ICS की पढ़ाई पढ़ने वालों को कितना नशा रहता है, और तुम्हारी पढ़ाई तो है मनुष्य से देवता बनने की। जिन देवताओं के आगे आजकल के राजाएं भी माथा झुकाते हैं, उस पढ़ाई का फल तो एक ही जन्म तक सीमित है, परंतु इस पढ़ाई से तो 21 जन्म के लिए कमाई होती है। सो भी सदा संपन्न और सुखमय। साकार रिवाइज मुरली, 19 अक्टूबर 2004। यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं, देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं। वह और कोई हुनर जानता ही नहीं। बाप इस समय ही आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। साकार रिवाइज मुरली, 27 अक्टूबर 2004। सच्चे सच्चे स्टूडेंट्स बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं, वे एकांत में बगीचे में जाकर बैठते हैं। पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। साकार रिवाइज मुरली, 28 नवंबर 2004। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वह पावन बनेगी। फिर हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में राज्य करेंगे। सब इम्तहानों में सबसे बड़ा यह इम्तहान व सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई यह है। बच्चों को यहाँ बैठे यह खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट यह है। अव्यक्त मुरली, 31 दिसंबर 70। अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। भगवान मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। क्लास में मुरली सुनाने वाले को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने देखो। साकार रिवाइज मुरली, 17 नवंबर 2004। काम विकार है मुख्य। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं, काम विकार को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। यह पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की।
साकार रिवाइज मुरली 26 नवंबर 2004 वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर सबको समझाओ। मूल बात है मन मना भव, याद की यात्रा है नंबर वन। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। 20 दिसंबर 2004, यह एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। कोई समय ऐसी गुहे बातें निकलती है जो पुराना संशय ही उड़ जाता है, इसलिए पढ़ाई कब मिस नहीं करनी चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 16 मई 2005, ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है जब भगवान आकर पढ़ाते हैं। जब भगवान हमको पढ़ाते हैं तो तुमको कितना हर्षित रहना चाहिए। अव्यक्त मुरली 22 नवंबर 87, कोई अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। यह है अटेंशन रखने में अलबेलापन। जहां तक जीना है वहां तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का, बेहद की वैराग्य वृत्ति का अटेंशन रखना ही है। ब्रह्मा बाप को देखा, नंबर वन मदद के पात्र बन, नंबर वन प्राप्ति को प्राप्त हुए। भविष्य निश्चित होते हुए भी अलबेले नहीं रहे। साकार रिवाइज मुरली 6 अक्टूबर 2005, बच्चे जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाले कौन है? तुमको पढ़ाकर तुम्हारे लिए सारी दुनिया को ही बदल देते हैं। तुम बाप को अच्छी रीति जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। साकार रिवाइज मुरली 29 सितंबर 2005, तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। पहले कहेंगे शिव जयंती, फिर गीता जयंती। शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है। साकार रिवाइज मुरली 22 अक्टूबर 2005, रूहानी बाप समझाते हैं रूहानी बच्चों को देही अभिमानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। ये सदगति और दुर्गति का चक्र हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए। चलते फिरते बुद्धि में यह चक्र रहे। साकार रिवाइज मुरली 7 नवंबर 2005, स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर्स का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि यह गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। टीचर से पहले क्लास में जाना चाहिए, टीचर के बाद क्लास में आना यह भी टीचर की इंसल्ट है। साकार रिवाइज मुरली 17 नवंबर 2005, जो ज्ञान डांस के शौकीन है उनको ही सामने बैठना चाहिए। उनको खुशी होती रहेगी, हमको भी डांस करना है। यह है ज्ञान डांस। साकार रिवाइज मुरली 27 नवंबर 2005, तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने वाले हो, इसलिए तुम बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 25 अगस्त 2005, आखिर वह दिन आया आज। यह है श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत। बाप पहली पहली मत देते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का याद करो। अव्यक्त मुरली 12 मार्च 88, जैसा समय वैसी स्थिति। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय ये राइट है? टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। साकार रिवाइज मुरली 10 फरवरी 2006, भले यहाँ बैठे कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं, परंतु जो अच्छे बच्चे होंगे वे समझेंगे, अभी तो हमको बाप से ही सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 95, सभी क्लासेस जरूर अटेंड करना चाहिए,
क्योंकि हर एक रत्न में बाबदादा व ड्रामानुसार कोई न कोई विशेषता भरी हुई है। क्लास की कई बातें समय पर बरोबर काम में आएंगी। पढ़ाई का अर्थ सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन पढ़ाई का अर्थ है सुनना और करना। अव्यक्त मुरली, 26 फरवरी 1995। जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को स्टूडेंट बनाकर आपे ही यह पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरों को ही करा सकते हो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना व बोलना या करना। श्रीमत और पढ़ाई एवं परीक्षा। पढ़ाई में परीक्षा भी अवश्य होती है, इसलिए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उस परीक्षा में पास होने का भी संकल्प और निश्चय अवश्य रखते हैं। परंतु लौकिक पढ़ाई में आने वाला पेपर पहले से पता नहीं होता है, परंतु बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है उसमें पास होने के लिए पेपर क्या आने वाला है वह भी पहले से ही बता देता है। फिर भी ड्रामा अनुसार परीक्षा में नंबरवार ही पास होते हैं। परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास हो उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है और युक्तियां भी बताई है। बाबा ने ये भी कहा है, इस पढ़ाई में तुम्हारा हर सेकंड पेपर होता है और उस पेपर के मार्क्स भी अंतिम परीक्षा में जमा होते हैं। साकार रिवाइज मुरली, 25 नवंबर 2004। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा, सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है, कौन पढ़ाते हैं किसको पता नहीं है। ये जो गायन है, अतिंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। अव्यक्त मुरली, 19 जून 69। आगे परीक्षाएं भी कड़ी आने वाली है, उनका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। मुख्य श्रीमत यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना है, क्योंकि याद की यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस में सफलता होगी। अव्यक्त मुरली, 18 जून 69। दृष्टि से सृष्टि बनती है। बाप पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं, भाई भाई की दृष्टि से देखो। पुरुषार्थ भी मुख्य इस बात का ही है, दृष्टि बदलने का। जब दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति ही स्वतः बदल जाती है। अव्यक्त मुरली, 26 मई 69। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति कैसे आएगी, जितना जितना बाप टीचर सतगुरु के स्नेही बनेंगे। स्नेह में शक्ति आ जाती है, स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति भी कम है। अव्यक्त मुरली, 26 जून 69। साकार तन द्वारा पढ़ाने का पार्ट था, वो पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ। अब पढ़ाई पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, वह कोर्स उसी तन द्वारा पार्ट पूरा हो चुका है। अभी तो आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। मुख्य बात है अशरीरी बनने की। अव्यक्त मुरली, 26 जून 69। कहां तक रिवाइज कोर्स पूरा हुआ है वह अभी निर्णय करना है। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना है। उनको देखने, भेंट करने से पता पड़ेगा कि हम कहां तक पहुंचे हैं। अव्यक्त मुरली, 6 जुलाई 69। सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम है। संगम युग की बलियाहरी है जिसने आप सबको यहाँ लाया है। बापदादा की जो पढ़ाई मिली है उसको धारण करो। धारणा से ही धैर्यवत और अंतर्मुखी होंगे। अव्यक्त मुरली, 6 अगस्त 70। पास विद ऑनर और पास में क्या फर्क है। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज की सजाओं की तो बात पीछे है, लेकिन अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे, इसको कहते हैं पास विद ऑनर। अव्यक्त मुरली, 20 दिसंबर 69। वारिस कितने बनाए, प्रजा कितनी बनाई। फाइनल पेपर का आज सुना रहे हैं, किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं। एक तो यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा।
दूसरा सुनाया अंत तक सर्विस का शौक, और तीसरी बात आदि से अंत तक अवस्था कैसी रही। सारे जीवन की सर्विस, स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, ये तीन बातें देखी जाएंगी। साकार रिवाइज मुरली 28 अप्रैल 2005। कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाए, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है। कोई स्टूडेंट कितना भी पढ़ाई में होशियार हो, परंतु इम्तहान तो टाइम पर ही होगा ना। 16 कला संपूर्ण आत्मा अब भी कोई बन नहीं सकती। साकार रिवाइज मुरली 26 सितंबर 2005। यहाँ पढ़ा हुआ वेद शास्त्र आदि सब भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। जो यहाँ के होंगे वे ही समझने की कोशिश करेंगे। सर्विस की युक्तियाँ बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अव्यक्त मुरली 13 फरवरी 1991। फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है जो भी कोई पेपर आते हैं, और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर अवश्य आएंगे। ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली 15 अप्रैल 1992। बात चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन पाठ अच्छा ही पढ़ाती है। धीरज का पाठ पढ़ाती है, इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होना है वह और भी अच्छा होगा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। अव्यक्त मुरली 20 दिसंबर 1992। माया को चैलेंज करने वाले हो, स्टूडेंट्स कभी पेपर से घबराते हैं? जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वे आवाहन करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। अव्यक्त मुरली 13 अक्टूबर 1992। इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। अव्यक्त मुरली 13 अक्टूबर 1992। चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है। अव्यक्त मुरली 24 सितंबर 1992। अष्ट शक्तियां, यह अष्ट तो निमित्त मात्र है, लेकिन है तो सर्व शक्तियां। बाप ने तो सर्व शक्तियां दी, लेकिन मैंने कितनी ली और धारण की। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर वही धोखा दे देगी, वही पेपर आता है। अव्यक्त मुरली 17 मार्च 1991। फेल होने का कारण है कोई न कोई बात फील कर लेते हो। पास करना है, पास होना है और पास रहना है। अव्यक्त मुरली 13 फरवरी 1991। फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है जो भी कोई पेपर आते हैं, और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर अवश्य आएंगे। ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 4 अगस्त 2006। यह है योग और पढ़ाई है रेस। अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताना है और अंधों की लाठी बनना है। घर घर में यह पैगाम पहुंचाना है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 1995। पुरानों में अलबेलापन ज्यादा है। सब सुन लिया, सब समझ लिया। सोचो, अगर सब समझ लिया होता तो बाप दादा पढ़ाई पूरी कर देते। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। श्रीमत और फाइनल पेपर।
परीक्षा का फाइनल पेपर क्या होगा और उसमें कैसे और कौन पास हो सकेंगे, उसमें पास होने के लिए पुरुषार्थ क्या करे, उसके लिए बाबा ने श्रीमत दी है, उसके सब विधि विधान भी बताए हैं। फाइनल पेपर में पास होने का साकार बाबा का उदाहरण भी दिखाया है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 76। तो लास्ट पेपर क्या देखा, स्नेह होते हुए भी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, यही लास्ट पेपर यादगार रूप में भी गायन है। एक तरफ स्नेह को समाना और दूसरे तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना, कर्म भोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना। अव्यक्त मुरली 20 दिसंबर 69। अभी स्नेह के साथ शक्ति भी है, ऐसी बातों का ऐलान निकलना है जो आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होंगी। ऐसे पेपर में जो पास होंगे वे ही पास विथ ऑनर होंगे। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 2003। फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट का भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सभी सेकंड में परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति का स्विच ऑन करो। और कोई भी स्मृति नहीं हो, बुद्धि में कोई भी हलचल नहीं हो, अचल। अव्यक्त मुरली 16 अक्टूबर 69। न्यारे तब हो सकेंगे जब जो कार्य करते हो वो न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर एक सेकंड में डिटैच नहीं हो सकेंगे, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और न चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर में आगे नहीं आ सकेंगे। अव्यक्त मुरली 23 जून 73। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प किया और स्वरूप हुआ। समय मिलेगा एक सेकंड का। लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है, पेपर भी फिक्स है। पेपर सुनाया था ना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अव्यक्त मुरली 19 सितंबर 72। यह तो अभी कुछ नहीं हुआ, अब तो बहुत कुछ होना है। आप सोचेंगे अचानक हो गया इसलिए थोड़ा सा हुआ, लेकिन पेपर तो अचानक आवेंगे, पेपर कोई बताकर नहीं आवेंगे। पहले बता तो दिया है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं, लेकिन उस समय अचानक होता है। अव्यक्त मुरली 14 सितंबर 75। सेकंड के हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए, ऐसे में समेटने की शक्ति आवश्यक है। जो अपने देहाभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को भी समेटना है। अव्यक्त मुरली 17 मार्च 91। फेल होने का कारण है कोई न कोई बात फील कर लेते हो। पास करना है, पास होना है और पास रहना है। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 91। तपस्या अर्थात तेरा और तपस्या भंग होना माना मेरा। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 95। जो फाइनल नंबर मिलेंगे उसमें ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया है। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उस प्रमाण मिलेंगे। इसलिए चाहिए चाहिए खत्म करो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 95। एक सेकंड में डॉट लगा सकते हो।
बुद्धि कर्म में लगी हुई है, लेकिन डायरेक्शन मिले फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कर्म के संकल्प चलते रहेंगे। अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, स्वार स्वरूप बन जाओ। यह अभ्यास स्वयं ही करो, किसी के कराने की आवश्यकता नहीं है। अव्यक्त मुरली 23 फरवरी 1997। विनाश अचानक होना है, परिवर्तन भी अचानक होना है। पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। योग, श्रीमद और योग अर्थात याद। बाबा ने कहा है, योग अक्षर भक्ति मार्ग का है, इसलिए योग न कहकर इसे याद करो, क्योंकि इसमें परमात्मा को याद करना है, जिस याद से ही आत्मा का पापों का बोझा खत्म होगा और श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति जागृत होगी। परमात्मा की याद से श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान होगा, जिससे श्रेष्ठ कर्म होंगे और जीवन सुखमय होगा। योग की यथार्थता को जानकर, देह और देह की दुनिया को भूलकर, अपने बिंदु स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा बिंदु को परमधाम में याद करना ही योग की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। परंतु हमारा सदा परमात्मा के साथ योग रहे, उसके लिए चलते फिरते आत्मिक स्वरूप में रहने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा है, तुम कर्म योगी हो, तुमको कर्म भी योग में रहकर करना है, इसलिए योग का अभ्यास भी आंखें खोलकर करना है, जिससे कर्म करते भी योग की स्थिति रहे। साकार रिवाइज मुरली 10 दिसंबर 2005। तुम एक मुझ बाप को याद करो, इसे देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद न आए, ये अच्छी रीति समझने की बात है। साकार रिवाइज मुरली 13 अगस्त 2005। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में ही बाप को याद करना है। भले तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परमधाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। बाप तो सेकंड में कहां भी जा सकते हैं। साकार रिवाइज मुरली 10 अक्टूबर 2005। बाप कहते हैं, अभी तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे, और कोई उपाय नहीं है। साकार रिवाइज मुरली 11 अक्टूबर 2005। अभी बाप कहते, कोई भी विकार की बात इन कानों से न सुनो। बाप फरमान करते, मामेकम याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। मम्मा बाबा भी देहधारी है ना, मैं तो विदेही हूं, इसमें बैठ तुमको ज्ञान सुनाता हूं। साकार रिवाइज मुरली 7 दिसंबर 2005। पहले पहले तुम यह समझाओ कि ऊंच से ऊंच भगवान एक है, याद भी उनको करना चाहिए। भले देवताएं भी मनुष्य है, परंतु वे है दैवी गुणों वाले। इस समय सब मनुष्य है आसुरी गुणों वाले। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं, उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 16 अगस्त 2006। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। भारत में ही स्वर्ग था, अभी नरक के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि हम भारत को पावन बनाकर ही छोड़ेंगे।
योग क्या है? एक परमात्मा की अव्यभिचारी याद ही योग है। विचार करो, हमारी अव्यभिचारी याद कहाँ तक है? एक परमात्मा ही पतित पावन है, और पावन बनना हर आत्मा का लक्ष्य है, जिसके लिए ही हम परमात्मा के पास आए हैं, उनके बने हैं। इसलिए पावन बनने के लिए एक बाप को ही याद करने की श्रीमत दी है, जिसको अव्यभिचारी याद कहा जाता है। एक बाप के सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति या वस्तु को याद करना व्यभिचारी बना है, और व्यभिचारी कब भी बाप की ब्लीस को पा नहीं सकता, उसकी मदद का अनुभव कर नहीं सकता। अव्यक्त मुरली 25 दिसंबर 89। योग लगाना भी क्या है? खुशी में नाचना ही तो है ना। बाप की महिमा गाते रहो, इसी में सेवा है, इसी में ही योग है, इसी में ही ज्ञान व धारणा है। साकार रिवाइज मुरली 14 सितंबर 2005। श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। जब अपने को आत्मा बिंदी समझे, तब बिंदी रूप बाप की याद आए। अब हमारी अव्यभिचारी याद कैसे रहे, उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है और अनेक प्रकार विधि विधान उदाहरण बताए हैं, जिससे हम याद की यथार्थता को समझ सके और उस अनुसार याद करके अपनी स्थिति को जमा सके। याद में क्या क्या बातें सहयोगी है और क्या क्या बातें बाधक है, विघ्न रूप है, उनके विषय में भी ज्ञान दिया है और उनसे बचने के लिए भी श्रीमत दी है। हमारी याद कहाँ कहाँ जाती है और क्यों जाती है, उसका कारण और निवारण के लिए भी श्रीमत दी है। दूसरों की दी हुई चीज उपयोग करेंगे तो उनकी याद आएगी, इसलिए यज्ञ की दी हुई चीज का ही उपयोग करो। हम जो पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उसमें लिखने वालों की या सुनाने वालों की याद स्वाभाविक ही सूक्ष्म में रहती है। इसलिए बाबा ने कहा है, मैं जो पढ़ाता हूँ वही पढ़ो और वही सुनो। अनावश्यक संग्रह न करो, नहीं तो अंत में वह याद आएगा और तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बीमारी दुख दर्द के समय भी किसी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। कोई लौकिक संबंधी याद नहीं आना चाहिए। कोई ऐसा कर्म न हो जो दिल को खाता रहे, क्योंकि उस समय परमात्मा की याद नहीं रह सकती। राग द्वेष ईर्ष्या घृणा के वश न हो, क्योंकि उसके वशीभूत उन व्यक्तियों की ही याद आएगी, परमात्मा की याद ठहर नहीं सकती। आदि आदि अनेक बातों का ज्ञान देकर याद को सफल बनाने की श्रीमत दी है। याद की सफलता के लिए बाबा ने यह भी कहा है, तुमको बहुत ऊंची चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीमती चीज होगी तो उसकी ओर ध्यान अवश्य जाएगा और योग सिद्ध नहीं होगा। वास्तव में बाबा की हम आत्माओं के प्रति जो श्रीमत है, उसके अनुसार हमको उतना ही उपभोग करना चाहिए जिससे हमारी कार्यक्षमता की वृद्धि हो या कार्यक्षमता स्थिर रहे। अधिक विलासिता पूर्ण या दिखावे के लिए वस्तुओं के उपभोग से कार्यक्षमता का ह्रास होता है, जिसके उपभोग और उपयोग के लिए बाबा ने मना की है। साकार रिवाइज मुरली 25 जनवरी 72। बाबा हमेशा कहते, मांगो मत, दाता के बच्चे हो, और किससे लेंगे तो उनकी याद आती रहेगी, और उनसे मांगो मत, नहीं तो देने वाले को भी नुकसान पड़ जाता है, क्योंकि वह शिव बाबा के भंडारे में नहीं दिया, देना चाहिए शिव बाबा के भंडारे में। साकार रिवाइज मुरली 16 जुलाई 72। कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी न रखना है, इसलिए बाबा फोटो निकालने को भी मना करते हैं। फोटो में तुम इस मम्मा बाबा को देखते रहेंगे
और ही वह समय तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बाबा मम्मा का चित्र देखने लग पड़ेंगे, शुबाबा भूल जाएगा। तुम आत्माओं को तो निराकार बाप को याद करना है, इसलिए मैं फोटो आदि देखता हूँ तो फाड़ भी देता हूँ। समझते हैं यह मम्मा बाबा के फोटो देखते रहते हैं, मरने समय अगर उनको ही देखते रहे तो दुर्गति हो जाएगी। तुमको याद करना है एक शुबाबा को, उसका फोटो निकल नहीं सकता, इसलिए बाबा को ये फोटो आदि निकालना अच्छा नहीं लगता है। परंतु क्या करे, बच्चे नाराज न हो जाए इसलिए खुश कर लेते हैं। परंतु समझते हैं इनका शुबाबा से योग टूटा हुआ है, तब कहते हैं बाबा हमारे साथ फोटो निकालो। वह गुरु लोग तो बहुत खुश होते हैं, बाबा को यह फोटो आदि निकालना अच्छा नहीं लगता, कहां साकार में फंसकर मर न जाए। साकार रिवाइज मुरली 18 मार्च 71। देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहेंगे। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है, नष्टो मोह है नहीं। इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है, वे सदगति को पा न सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। साकार रिवाइज मुरली 30 जुलाई 2005। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है वे ही आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सेल्समैन बनना है। साकार रिवाइज मुरली 25 अप्रैल 71। कोई कोई को मोह का कीड़ा होने के कारण फिर धारणा नहीं होती। तुम गाते हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? देहाभिमान बहुत है इसलिए धारणा नहीं होती। साकार रिवाइज मुरली 14 दिसंबर 69। जो जैसा कर्म करते हैं वह भोगते हैं, ड्रामा में नूंद है। बाबा यह भी समझाते हैं, कपड़े आदि कुछ भी चाहिए तो शिव बाबा के यज्ञ से लो, और कोई से लेंगे तो वह याद आएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसमें लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अभी हम वापस जा रहे हैं, ऐसा न हो कहीं दिल लग जाए और तकदीर बिगड़ जाए। साकार रिवाइज मुरली 14 जुलाई 2005। इसमें चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है, हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में सिर्फ यह याद रहेगा कि हम आत्मा है, मूल वतन की रहने वाली है, यहाँ हमारा पार्ट है। ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। अव्यक्त मुरली 19 जुलाई 69। पहला पाठ ही पॉलिश है, उसकी बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितना रहती है, इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। सभी से छोटा रूप बाप है और आप सभी का भी है। जीरो को याद करेंगे तो हीरो बनेंगे। साकार रिवाइज मुरली 6 जून 2005। आत्माभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। अभी संगम युग पर ही तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाया जाता है। साकार रिवाइज मुरली 17 अक्टूबर 2005। अभी मम्मा के नाम रूप को भी याद नहीं करना है, हमको भी उन जैसी धारणा करनी है। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े ही बन जाएंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा, याद एक को ही करना है, बलिहारी उस एक की है। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 2005। बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है, इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे 1 सेकंड में देहभान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ, कोई आकर्षण आकर्षित न करे। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 2005।
सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। इस अभ्यास को सारे दिन में कर्म करते हुए भी करो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 92। अभी अभी आवाज में आना और अभी अभी आवाज से परे हो जाना। इस रूहानी एक्सरसाइज में सिर्फ मुख की आवाज से परे नहीं होना है, लेकिन मन से भी आवाज में आने के संकल्प से परे होना है। मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांति के सागर में समा जाए। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 92। कैसी भी परिस्थिति और वातावरण में संकल्प किया कि आवाज से परे हो जाए तो सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों के चिल्लाने का, प्रकृति की हलचल का आवाज होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूं यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। अव्यक्त मुरली 23 दिसंबर 93। ज्ञाता तो नंबर वन हो गए हैं, लेकिन एक बात में अलबेले बन जाते हो, वह है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। अव्यक्त मुरली 23 दिसंबर 93। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को तीन प्रकार की दुआएं मिलती है, एक स्वयं को स्वयं की, दूसरी बाप की और तीसरी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है उनकी भी दुआएं मिलती है। अव्यक्त मुरली 18 फरवरी 93। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन याद रखो, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा वो सब अच्छा होगा। संगम युग है ही अच्छे ते अच्छा, हर सेकंड अच्छे ते अच्छा है। निश्चय है फाउंडेशन, निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगे। अव्यक्त मुरली 28 मार्च 2006। अभी एक मिनट के लिए सभी लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति द्वारा विश्व में अपनी लाइट माइट फैलाओ। ऐसा अभ्यास समय प्रति समय कार्य में होते हुए भी करते रहो। अव्यक्त मुरली 25 फरवरी 2006। सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं, सभी रेडी हो गए, सब संकल्प मर्ज कर दो। अभी एक सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में, अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। अभी मधुबन में आ जाओ। ऐसे बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बनकर चक्र लगाते रहो। अव्यक्त मुरली 12 मार्च 88। जैसा चाहे, जिस समय चाहे, वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके, इसके लिए बहुत स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 92। सदा आकारी और निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है। जब चाहे तब उस स्थिति में स्थित हो जाए, इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि लगाव अंश मात्र भी नहीं हो। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 92। कैसी भी परिस्थिति और वातावरण में संकल्प किया कि आवाज से परे हो जाए तो सेकंड में आवाज से न्यारे
फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों के चिल्लाने का, प्रकृति की हलचल का आवाज होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता, सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। अव्यक्त मुरली 20 फरवरी 88। भले कितना भी बिजी रहो, लेकिन हर घंटे में एक मिनट शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। शक्तिशाली याद सदा रहे, उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। एक सेकंड की शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। अव्यक्त मुरली 27 फरवरी 96। एक सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। संकल्प किया और स्थित हो गए। सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे। यह ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। यह अभ्यास करने से लास्ट में अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। अव्यक्त मुरली 10 जनवरी 90। सेकंड में मन बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां लगा ले। बीच बीच में चेक करो। जिस समय बुद्धि बहुत बिजी हो, उस समय ट्राई करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है। अव्यक्त मुरली 10 जनवरी 90। आत्मा का अनादि आदि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। यह तो पीछे परतंत्र बन गई है, बंधन मुक्त अर्थात राजा स्वराज्य अधिकारी। इसलिए यह अभ्यास करो। स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। अव्यक्त मुरली 6 अप्रैल 95। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है। बाप कभी भी पहले से बताकर टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो। बिजी होते भी बीच बीच में एक सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 94। दिन प्रतिदिन अचानक यह प्रकृति अपनी हलचल बढ़ाती जाती है। यह कम नहीं होनी है और बढ़नी ही है। क्यों क्या में नहीं जाए, बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 97। अभी एक सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बने। यह अभ्यास ही कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। श्रीमत और निर्संकल्प और निर्विकल्प स्थिति। हठयोग में भी निर्संकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि का वर्णन है, और बाबा ने भी निर्संकल्प स्थिति और निर्विकल्प स्थिति का ज्ञान दिया है, उनका महत्व बताया है और उस स्थिति को जमाने के लिए श्रीमत दी है। साकार मुरली 13 जनवरी 69। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। तुमको तो कहा गया है सारी दुनिया को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। आत्मा कानों बिगर सुनेगी कैसे, अशरीरी हो जाओ। जैसे आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है, सो जाते हैं तो कोई गला भी काट कर जाते हैं तो पता नहीं पड़ता है। जब तक अशरीरी नहीं बने हो, तब तक कुछ न कुछ माया की चोट लगती ही रहेगी। अव्यक्त मुरली 21 जुलाई 73। आप तो संकल्प को भी जज कर सकते हो। ऐसे जस्टिस जो अपने और दूसरी आत्माओं के भी संकल्प को जज कर सके, वो परख सके, ऐसे बन गए हो। ऐसा जस्टिस कौन बन सकता है जिसकी बुद्धि का काटा एकाग्र हो, बुद्धि निर्विकल्प हो, जिसके बोल और कर्म में लव और लॉ हो तथा स्नेह और शक्ति में बैलेंस हो। साकार मुरली 4 जनवरी 55। निर्संकल्प अवस्था में रहने से
तुम अपने को तो क्या, किसी भी विकारी के संकल्पों को भी दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा, जैसे देवताओं के आगे तुम्हारे आगे किसी विकारी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता। और यदि कुछ संकल्प चलेगा भी तो भी वह वार नहीं कर सकेगा, तुम योगयुक्त होकर खड़े रहेंगे तो। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1997। आत्मा बिंदु रूप में स्थित रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। और बिंदु बन बिंदु आत्मा परमधाम में जाएगी, तो बिंदु बन बिंदु बाप के साथ पहले घर जाना है। श्रीमत और एकांत एवं एकाग्रता। योग के सफल अभ्यास के लिए एकांत और एकाग्रता का क्या महत्व है, वह भी बाबा ने बताया है। और उस स्थिति का अभ्यास कैसे करें, उसके लिए श्रीमत भी दी है। योग में शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा के चित्र पर मन बुद्धि या ध्यान को एकाग्र करना यथार्थ योग नहीं है। इसलिए बाबा ने श्रीमत दी है कि तुमको किसी चित्र आदि पर मन बुद्धि को एकाग्र नहीं करना है। तुमको देह से न्यारे बिंदु बन बिंदु रूप शिव बाबा को परमधाम में याद करना है। इस साकार देह से न्यारे अव्यक्त फरिश्ता बनकर फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा तन में पधारे शिव बाबा से रूहरिहान करनी है। एकाग्रता अर्थात किसी एक स्वमान में, ज्ञान की किसी एक पॉइंट, योग की किसी एक स्थिति आदि आदि में जैसे ऑर्डर मिले वैसे ही तुरंत स्थित हो जाए और कहां भी बुद्धि न जाए। अव्यक्त मुरली 25 अक्टूबर 1969। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का प्रिय होगा। एकांत प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता, एक के सिवाय दूसरा न कोई। जो ऐसी स्थिति वाला होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2003। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति होती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एकरस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। 18 जनवरी 1969। अव्यक्त स्थिति में रहकर फिर व्यक्त भाव में आओ, परंतु यह तब होगा जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रहकर अपनी चेकिंग करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। जितना सर्विस का ध्यान है उतना ही इस अभ्यास का भी ध्यान रहे। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2003। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व के प्रति स्नेह कल्याण सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति फरिश्ता स्थिति स्वमान है। साकार मुरली 27 अक्टूबर 2004। सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। सतोप्रधान सन्यासी जो थे वे बहुत निडर रहते थे। सन्यासी जो सतोप्रधान थे वो ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे, उनमें बड़ी कशिश होती थी। उनमें बड़ी कशिश होती थी। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखाले हो जाते हैं, ब्रह्म की ही याद में रहते हैं। अव्यक्त मुरली 16 जून 1969। एकता और एकांतवासी दोनों की बहुत आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो बाहर मुखता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इनकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए एकांत में ज्यादा रुचि रखनी है। साकार मुरली 26 मई 2005। हम आत्मा छोटी सी बिंदी है, हमारा बाप भी बिंदी है।
वह इस ड्रामा का मुख्य एक्टर है। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है। ये बहुत नई नई बातें हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। साकार मुरली 29 नवंबर 2005। तुम बच्चों को यह सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम जीवात्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2005। योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस रूप में जितना समय एकाग्र होना चाहे एकाग्र हो जाए। एकाग्रता से संकल्प किया और भस्म, इसको कहा जाता है योग अग्नि। पुराने संस्कार का रहा हुआ अंश भी वंश पैदा कर देता है। अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 93। इस समय विशेष अटेंशन चाहिए। मन बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति सदा कराती है। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। साकार मुरली 20 अप्रैल 2006। आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। कर्म करते भी बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। हर बात में यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। बीच बीच में समय मिले तो एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है। अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 89। अभी आप छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। अव्यक्त मुरली 23 नवंबर 89। वरदाता को एक शब्द प्यारा लगता है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, न मन मत न पर मत, एक रस, न और कोई व्यक्ति का न कोई वैभव का रस, ऐसे ही एकता, एकांत प्रिय, ऐसे और भी शब्द निकालना। ओम शांति।